हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AMS एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है साइको एनालिटिकल थ्योरी। इस थ्योरी को दिया था सिगमंड फ्रॉयड, जिनको हम फादर ऑफ साइकियाट्री भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉयड, फर्स्ट 5 ईयर्स जो चाइल्ड का लाइफ होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनके अनुसार जो इंडिविजुअल का बेसिक कैरेक्टर होता है वो 5 साल के अंदर बन जाता है। थ्योरी को कंसेप्चुलाइज हम कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए हम 4 पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट उसको समझते हैं। पहला है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, सेकंड है टोपोग्राफी ऑफ माइंड, थर्ड इज डायनेमिक्स ऑफ पर्सनालिटी एंड फोर्थ इज स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो स्टेजेस है, सबसे पहले फ्रॉयड ने ही आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद अलग अलग थ्योरीज आए जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के स्टेजेस को दिखाया गया, बताया गया। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है अपना समझने के लिए, हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी के बारे में। फ्रॉयड ने ऑर्गेनाइज किया है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी इनटू 3 मेजर कंपोनेंट्स, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तीनों एक दूसरे से अलग है, यूनिक फंक्शन है और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं इड। इड है लोकस ऑफ इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स, प्लेजर प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। ये स्टार्ट होता है, प्रेजेंट होता है बर्थ में। इसमें इन्फेंट जो होता है सीक करता है टू सेटिस्फाई नीड्स और अचीव करता है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। इड ड्रिवन बिहेवियर्स जो होते हैं इम्पल्सिव होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, इसलिए इसको प्लेजर प्रिंसिपल बोलना है। ये बर्थ में प्रेजेंट होता है और इन्फेंट इनको यूज़ करते हैं, ड्राइव करते हैं बिहेवियर, ताकि वो खुद की सेटिस्फाई नीड्स को सेटिस्फाई कर सके और इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन अचीव करे। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट इड। सेकेंड है ईगो, जिसको हम रैशनल सेल्फ या रियलिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। ये डेवलप होता है बिटवीन एजेस ऑफ 4 एंड 6 मंथ्स, 4 से 6 महीने के बीच में डेवलप होता है। यहाँ पे जो बेबी है वो एक्सपीरियंस करता है रियलिटी ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, अडेप्ट होता है और रिस्पॉन्ड करता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। जैसे जैसे ईगो डेवलप होता है, गेन करता है स्ट्रेंथ को, और क्योंकि वो एक्सटर्नल वर्ल्ड को समझ रहा है तो वो धीरे धीरे इड की जगह रियलिटी प्रिंसिपल को सब्स्टिट्यूट करता है, इड की जगह ईगो को सब्स्टिट्यूट करता है। ईगो का जो प्राइमरी फंक्शन है वो मेंटेन करना है हार्मनी अमंग द एक्सटर्नल वर्ल्ड, दैट इज बिटवीन इड एंड सुपर ईगो के बीच का जो बैलेंस बना के रखता है वो है ईगो। सो ईगो इज कॉल्ड रैशनल सेल्फ फॉर द रियलिटी प्रिंसिपल। ये 4 से 6 महीने के बीच में डेवलप करता है, मींस इंडिविजुअल जो होता है, जो बच्चा होता है वो रिस्पॉन्ड करता है, अडेप्ट करता है एक्सटर्नल रियलिटी वर्ल्ड को। नाउ थर्ड पॉइंट सुपर ईगो। सुपर ईगो को हम परफेक्शन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ये डेवलप होता है 3 to 6 ईयर्स के बीच में। इसमें बच्चा जो रहता है वो मॉरल वैल्यूज जो गार्जियन या पेरेंट्स के द्वारा दिया जाता है उसको समझता है। डेवलप होता है बाय सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, मींस वो फ़र्क जब समझता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, गलत करने से उसको पनिशमेंट मिलेगा, सही है तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। इस तरह से वो फ़र्क समझता है सही और गलत में। और ये कंपोज होता है 2 मेजर कंपोनेंट्स, ईगो आइडियल एंड कंसाइंस। ईगो आइडियल एंड कंसाइंस, जैसे कि अगर बच्चा कंसिस्टेंटली रिवॉर्ड पा रहा है एक अच्छे बिहेवियर के लिए, तो वो जो बिहेवियर है उसके लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा, और इस तरह से ईगो आइडियल डेवलप होता है। कंसाइंस फॉर्म होता है जब बच्चे को बार बार पनिशमेंट मिल रहा है फॉर बैड बिहेवियर, जब बैड बिहेवियर या गलत बात कर रहा है तो उसको पनिशमेंट मिल रहा है, इस तरह से कंसाइंस डेवलप होता है। ईगो आइडियल अच्छे बिहेवियर के लिए, कंसाइंस मीन्स बैड बिहेवियर के लिए जो पनिशमेंट मिल रहा है। इस तरह से जो बच्चा है वो सीख जाता है कि क्या मॉरली राइट है और मॉरली रॉन्ग फ्रॉम द फीडबैक रिसीव फ्रॉम पेरेंटल फिगर और फ्रॉम सोसाइटी और कल्चर। इस तरह से सुपर ईगो को हम परफेक्शन प्रिंसिपल, बिकॉज वो फ़र्क समझ रहा है सही और गलत में। सुपर ईगो हेल्प करता है फॉर सोशलाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल, बिकॉज इट असिस्ट इन कंट्रोलिंग ऑफ इड एंड असिस्टेंस ऑफ ईगो। लेकिन अगर सुपर ईगो रिजिड हो जाता है, पनिशिव हो जाता है, तो लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिस वाज थर्ड पॉइंट सुपर ईगो। तो ये थे हमारे स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, पहला था इड, ईगो एंड थर्ड वाज सुपर ईगो। नेक्स्ट हम जाते हैं टोपोग्राफी ऑफ माइंड। इट इज क्लासिफाइड ऑल मेंटल कंटेंट्स एंड ऑपरेशन इनटू 3 कैटेगरीज, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो पहले अपन देखते हैं कॉन्शियस, जो कि इंक्लूड करता है ऑल मेमोरीज दैट रिमेन विद इन द इंडिविजुअल अवेयरनेस। इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 कैटेगरीज, जो प्रेजेंट है उसके बारे में होता है कॉन्शियसनेस। इवेंट्स या फिर एक्सपीरियंस जो हम इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, उसको हम विद इन वंस कॉन्शियसनेस अवेयरनेस बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि टेलीफोन नंबर्स है, बर्थडेज है खुद का या फिर अपने खास लोगों का बर्थडेज है,
स्पेशल हॉलीडेज़ के डेट्स हैं, ये सब हमको इजीली याद हो जाते हैं। तो ये आता है किसमें, कॉन्शियस में। कॉन्शियस माइंड इज थॉट टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ ईगो, द रैशनल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं प्री कॉन्शियस, ऐसी मेमोरीज जो कि भूल चुके हैं और अभी प्रेजेंट अवेयरनेस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, अटेंशन देंगे तो उसको याद किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं प्री कॉन्शियस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इंक्लूड फोन नंबर्स एड्रेसेस वंस नोन बट लिटिल यूज, कुछ ऐसे फ़ोन नंबर्स या एड्रेस है जिसका हम कम यूज़ किए लेकिन याद करेंगे तो हमको याद आ जाता है, तो दैट इज़ प्री कॉन्शियस माइंड। प्री कॉन्शियस माइंड जनरली हम समझते हैं पार्शली अंडर द कंट्रोल ऑफ सुपर ईगो, क्योंकि ये हेल्प करता है सप्रेस करने के लिए अनएक्सेप्टेबल थॉट्स या बिहेवियर है जिसको हम नहीं चाहते याद करना, उसको हम सप्रेस कर देते हैं थ्रू प्री कॉन्शियस। फिर कभी कुछ ऐसी घटना होती है तब हमको वो चीज़ें याद आती हैं, या चाहते हैं कुछ याद करने के लिए तो हमको याद कर लेते हैं, तो दैट इज़ प्री कॉन्शियस माइंड। नाउ थर्ड है अनकॉन्शियस, इट इंक्लूड्स ऑल मेमोरीज दैट वन इज़ अनेबल टू ब्रिंग कॉन्शियस अवेयरनेस, ऐसी बातें, ऐसी मेमोरी जो उसको हम वापस नहीं ला सकते। ये सबसे बड़ा पार्ट है तीनों क्लासिफिकेशन में, ये सबसे बड़ा पार्ट है, और इसको रिट्राइव कर तभी कर सकते हैं आइदर थ्रू थेरेपी, हिप्नोसिस, या फिर सर्टेन सबटेस्ट दैट अल्टर द अवेयरनेस एंड हैव द कैपेसिटी टू रीस्ट्रक्चर रिप्रेस्ड मेमोरीज। ये था थर्ड पॉइंट हमारा अनकॉन्शियस, जो कि ऐसी मेमोरी जो हम उसको कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं ला सकते नेचुरली। सो दिस वाज टोपोग्राफी ऑफ माइंड, तीन में क्लासिफाई किया था, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। नाउ विल सी डायनेमिक्स ऑफ पर्सनालिटी। फ्रॉइड बिलीव करते हैं एक एनर्जी है, साइकिक एनर्जी इज द फोर्स और इम्पेटस रिक्वायर्ड फॉर मेंटल फंक्शनिंग, एक ऐसा फोर्स चाहिए जो कि मेंटल फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं साइकिक एनर्जी। ये ओरिजिनेट होता है इड में, ताकि जो नीड्स है, फिजियोलॉजिकल नीड्स है, उसको हम फुलफिल कर सके, एक इंडिविजुअल अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल करने के लिए साइकिक एनर्जी का यूज़ करता है। फिर चाइल्ड जैसे जैसे बड़ा होता है तो इड से वो ईगो में चला जाता है, और ईगो से फिर वो सुपर ईगो में फॉर्म हो जाता है। साइकिक एनर्जी बीच बीच में तीनों कंपोनेंट्स में डिवाइड होता रहता है, ईगो, सुपर ईगो और ईगो इड के बीच में, और बट इसमें जो ईगो का है वो लार्जेस्ट शेयर होता है, ताकि वो मेंटेन कर सके बैलेंस बिटवीन द इड एंड सुपर ईगो। अगर किसी एक पोर्शन में इस एनर्जी का ज़्यादा यूज़ होता है तो बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है, अगर इड में ज़्यादा रहेगा तो इम्पल्सिव बिहेवियर शो करेगा, ईगो में रहेगा तो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, और अगर सुपर ईगो में ज़्यादा समय रहेगा तो वो रिजिड या फिर सेल्फ डेप्रिकेटिंग बिहेवियर रिजल्ट करेगा। फ्रॉइड ने दो टर्म और यूज़ किया, कैथेक्सिस एंड एंटी कैथेक्सिस, टू डिस्क्राइब द फोर्सेस विद इन द इड, ईगो एंड सुपर ईगो, जैसे साइकिक एनर्जी का यूज़ किया जाता है इन एक्सटर्नल सोर्सेज टू सेटिस्फाई नीड। कैथेक्सिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा इड इन्वेस्ट करता है एनर्जी इन टू एन ऑब्जेक्ट इन एन अटेम्प्ट टू अचीव ग्रेटिफिकेशन। एंटी कैथेक्सिस ईगो और सुपर ईगो का यूज़ करते हैं ताकि वो कंट्रोल कर सके इड को, सो दिस इज एंटी कैथेक्सिस एंड कैथेक्सिस। कैथेक्सिस इड यूज़ करता है, एंटी कैथेक्सिस ईगो एंड सुपर ईगो। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल को अल्कोहल का यूज़ करना है, तो अगर इड में है तो कैथेक्सिस का यूज़ होगा, तो वो अल्कोहल को तुरंत यूज़ करेगा और अपने प्लेजर को रिजल्ट करेगा। वही पोर्शन अगर ईगो में आता है तो इंडिविजुअल बोलेगा कि है ऑलरेडी मेनी अल्सर्स फ्रॉम ड्रिंकिंग टू मच, आई विल कंट्रोल ड्रिंकिंग, टेक थेरेपी फॉर कंट्रोलिंग अल्कोहल हैबिट, आई विल नॉट ड्रिंक। वही सुपर ईगो कहेगा कि ही वुड एक्सर्ट कंट्रोल विद थिंकिंग सच एज, मुझे नहीं पीना चाहिए, अगर मैं पीऊँगा तो मेरे फैमिली वालों को हर्ट होगा या फिर गुस्सा हो सकते हैं, मुझे इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, तो दिस इज सुपर ईगो। फ्रॉइड मानते हैं अगर इम्बैलेंस होता है कैथेक्सिस या फिर एंटी कैथेक्सिस में, तो उसकी वजह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रिलीज होता है, उसकी वजह से टेंशन होता है और एंजाइटी विद इन द इंडिविजुअल। ये था डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें हम साइकिक एनर्जी के बारे में पढ़े, जो कि एक फोर्स है, रिक्वायर्ड रहता है फॉर मेंटल फंक्शनिंग, ओरिजिनेट होता है इड एंड धीरे धीरे वो ईगो और सुपर ईगो में प्रोसीड होता है, इससे इंडिविजुअल अपने साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉइड स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मैंने एक्सप्लेन किया पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है वो प्रोसेस होता है, फॉर्म होता है इन फाइव स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। जैसा कि हमने पहले भी बोला था कि उन्होंने माना है कि जो पहले 5 साल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दौरान कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं इंडिविजुअल में डेवलप होता है इन अर्ली ईयर्स। इन्हीं अर्ली स्टेज में अगर कुछ फिक्स हो जाता है, फिक्सेशन हो जाता है, तो वो डेवलप करता है साइकोपैथोलॉजी में। तो हम स्टेज वाइज देखते हैं, पहला स्टेज है ओरल स्टेज, सेकंड इज एनल, थर्ड इज फैलिक लेटेंसी एंड लास्ट इज
जेनाइटल स्टेज। ओरल स्टेज में जो बिहेवियर है वो डायरेक्ट होता है बाय इड, और गोल होता है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ द नीड। ये बर्थ टू 18 मंथ्स होता है। फोकस ऑफ एनर्जी इज माउथ विद बिहेवियर दैट इंक्लूड सकिंग, चीविंग एंड बाइटिंग। इन्फेंट एक फील करता है एक सेंस ऑफ अटैचमेंट एंड अनेबल टू डिफ्रेंशिएट द सेल्फ फ्रॉम द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग द मदरिंग। वो खुद को और माँ को एक ही सोल समझता है, और अगर माँ दूर जाती है तो एंजाइटी फीलिंग आता है और इसी वजह से बच्चा रोता है। और बाय द एज ऑफ 4 to 6 मंथ्स ईगो डेवलप होता है। इस दौरान बच्चा खुद को एक सेल्फ सेपरेट महसूस करता है फ्रॉम मदर, और सेंस ऑफ सिक्योरिटी और एबिलिटी टू ट्रस्ट अदर डेवलप होता है। सो दिस इज फर्स्ट स्टेज ओरल स्टेज बर्थ टू 18 मंथ्स। ये डायरेक्ट होता है बिहेवियर जो डायरेक्ट होता है बाय इट, और गोल रहता है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ द नीड्स। सेकेंड है एनल स्टेज 18 मंथ टू 3 ईयर। मेजर टास्क एनल स्टेज में होता है गेनिंग इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल विथ फोकस ऑन एक्सक्रीटरी फंक्शन। इस दौरान बच्चे को पेरेंट्स या गार्जियन के द्वारा टॉयलेट ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर टॉयलेट ट्रेनिंग जो है स्ट्रिक्ट है या रिजिड है तो बच्चा जो हो सकता है मोशन को रिटेन कर रहा है के कारण, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन रिजल्ट कर सकता है, या फिर वो अनकंट्रोलेबली इनवॉलंटरी कहीं भी फीसेस का रिलीज कर सकता है, मोशन जाएगा अनएक्सेप्टेबल टाइम में या फिर अनएक्सेप्टेबल मैनर्स में। इसलिए जो टॉयलेट ट्रेनिंग है वो रिजिड या स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। अगर टॉयलेट ट्रेनिंग जो है परमिसिव है, एक्सेप्टेबल वे में सिखाया जाएगा तो बच्चा उसका इंपॉर्टेंस समझेगा और टॉयलेट ट्रेंड हो जाएगा। तो दिस इज सेकेंड स्टेज एनल स्टेज। नाउ थर्ड इज फैलिक स्टेज 3 to 6 ईयर्स। यहाँ पे फोकस ऑफ एनर्जी जो होता है शिफ्ट हो जाता है जेनाइटल एरिया में। डिस्कवर करता है डिफरेंस बिटवीन जेंडर्स इन हाइटेड इंटरेस्ट इन सेक्सुअलिटी ऑफ सेल्फ और अदर्स। यहाँ दो टर्म्स का डेवलपमेंट हुआ है, एडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। एडिपस कॉम्प्लेक्स में जो है वो अपनी माँ को ज़्यादा पसंद करेगा। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में लड़की जो है पापा से ज़्यादा कनेक्ट फील करती है, और एडिपस कॉम्प्लेक्स में जो बाबा है लड़का है वो अपनी माँ से ज़्यादा कनेक्ट फील करता है एज़ कम्पेयर टू फादर। इस तरह वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट करता है विद द पेरेंट ऑफ सेम सेक्स, बट धीरे धीरे ईगो जब डेवलप होता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट रिसॉल्व हो जाता है। सो दिस वॉज फैलिक स्टेज। नाउ वी विल मूव ऑन टू लेटेंसी स्टेज 6 to 12 ईयर्स। ये एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स का टाइम है जहाँ पर फोकस ईगो सेंट्रिक से हट के ग्रुप एक्टिविटीज़ में चला जाता है, जैसे कि लर्निंग है, सोशलाइजेशन विद पीयर्स है, पीयर एक्टिविटी बढ़ जाता है। प्रेफरेंस यहाँ पर सेम जेंडर रिलेशनशिप पे ज़्यादा रहता है। लड़कियाँ आपस में सहेलियाँ बनती हैं, लड़के अपना गैंग बनाते हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप ज़्यादा होता है, एक्टिविटी पीयर ग्रुप होता है। सो दिस वॉज लेटेंसी स्टेज। नाउ लास्ट इज जेनाइटल स्टेज 13 to 20 ईयर्स। जेनाइटल स्टेज में जो मैच्योरिंग ऑफ जेनाइटल्स और ऑर्गन रिजल्ट इन रीवेकनिंग ऑफ लिबिडिनल ड्राइव। फोकस जो रिलेशनशिप रहता है वो किनके साथ रहता है, मेंबर्स ऑफ अपोजिट जेंडर एंड प्रिपरेशन फॉर सेलेक्टिंग अ मेट, लाइफ लॉन्ग मेट। एक्चुअली मैच्योर होता है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, सोसाइटी नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। सो दिस वॉज जेनाइटल स्टेज 13 to 20 ईयर। तो ये थे फ्रूट के साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस। पहला था ओरल, सेकेंड वॉज एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड लास्ट वॉज जेनाइटल 13 to 20 ईयर्स। अब हम देखते हैं रिलीवेंस ऑफ साइकोएनालिटिकल थ्योरी टू नर्सिंग प्रैक्टिस। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी का नॉलेज अगर नर्स को रहेगा तो वो असिस्ट करेगा इन मेंटल हेल्थ सेटिंग। इस तरह से एबिलिटी डेवलप होगी जिससे हम रिकॉग्नाइज करेंगे बिहेवियर एसोसिएटेड विद इड, ईगो एंड सुपर ईगो इन असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंटल लेवल। अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूज ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म इज इम्पॉर्टेंट इन मेकिंग डिटर्मिनेशंस अबाउट मैलाडप्टिव बिहेवियर, इन प्लानिंग केयर फॉर क्लाइंट टू असिस्ट इन क्रिएटिंग चेंजेस, और इन हेल्पिंग क्लाइंट्स एक्सेप्ट देमसेल्व्स एज यूनिक इंडिविजुअल। तो ये था रिलीवेंस ऑफ साइकोएनालिटिकल थ्योरी टू नर्सिंग प्रैक्टिस। तो साइकोएनालिटिकल थ्योरी में हमने सबसे पहले हमने देखा कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट के अंदर हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, टोपोग्राफी ऑफ माइंड, डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी, स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, देन लास्टली रिलीवेंस ऑफ थ्योरी इन नर्सिंग। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जैसे समझ में आएगा आपको टॉपिक क्या कमी घटी था, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।